Hey folks, Akshum this side from Ace IPM. The forms for Christ, Narsimoji and Symbiosis are now out for your undergrad programs. In this video, we are going to have a brief discussion on the same. So without any further ado, let's begin. Now, if you are targeting IPM, you ought to have backup options available because the number of seats available in IPM are fairly limited. And when we talk about private options for your undergrad BBA, the top three names that come to our mind are Symbiosis, Christ and Narsimoji. The forms of all three of these institutions are now out and you can go fill it up on their respective websites, the link of which will be down in the description as well. But we would want to wait it out because all of these institutions have exam in multiple slots. All of these institutions are going to charge your admission fee or like the form filling fee based on the branches that you apply to and the course you apply to, and you know the form filling fee might actually be exorbitant agar aap sab kuch apply kar rahe hain, sare attempts le rahe hain. So you want to optimize it to a point ki aap kuch miss out bhi nahi kar rahe hain, and you're also not filling unnecessary forms for institutions you might not want to go to, or you know, courses you apply to but you know you're not really interested in. Un sab ka discussion we'll have in a separate video wherein we'll go deep dive into you know each of these institutions, the form filling process, and aapko kitne attempts ke liye apply karna chahiye, and unme se kaun se institutes ke liye aapko apply karna chahiye. But abhi ke liye just a brief summary ki in teenon ka hi admission process kaise rehne wala hai. Starting with Symbiosis, forms are now out. The website is settest.org. आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे अप्रैल 12th तक, सो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है. और उसके बाद आपका, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, आपका SET होता है फॉर योर BBA यू नो कॉलेजेस, एंड इन दैट केस दैट विल हैपन ऑन May 5 एंड May 11. आपके पास दो अटैम्प्ट रहेंगे, एंड द बेस्ट ऑफ द टू स्कोर यूजली काउंट्स इन द केस ऑफ Symbiosis, शुड बी द केस दिस ईयर एज वेल. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. अगर हम बात करते हैं क्राइस्ट की, तो क्राइस्ट में अभी आपके दो ही अटैम्प्ट हैं. जो पहला अटैम्प्ट है दैट इज़ फॉर NRIs, एज अ नॉन NRI पर्सन, एज अ डोमेस्टिक एप्लीकेंट, आपके पास दो अटैम्प्ट रहते हैं जिनके आपके एग्जाम डेट्स रहेंगे. एज यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल योर एग्जाम इज एट 7th of April, एंड उसके बाद देयर इज वन ऑन 11th of May. दो अटैम्प्ट आपके पास यहाँ पर क्राइस्ट के लिए भी अवेलेबल हैं, एंड उसकी रिस्पेक्टिव लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको यहाँ मिल जाएगी 30th March एंड 4th of May. अगर हम NMIMS की बात करते हैं, जहाँ पर आपका NPAT का एग्ज़ाम होता है फॉर द मेन BBA कॉलेजेस, लाइक यू नो जो आपका NMIMS मुंबई में आपको BBA करना है, नवी मुंबई में BBA करना है, तो इन दैट केस आपके पास मैथ्स भी होना चाहिए इन द क्लास 12th, जो कि इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट इन द अदर टू कॉलेजेस. हाउएवर NMIMS के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मैथ इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल आई थिंक BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर नहीं है. जो भी चीज़ें आपको इन सब के एडमिशन ब्रोशर में तो मिल ही जाएगा, अदरवाइज वील मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल. बट अगर हम NMIMS की बात करते हैं, फॉर्म्स आपके अभी से आउट हैं एंड दे विल बी ओपन टिल 20th of May. आपका जो एग्ज़ाम है आप तीन अटैम्प्ट में ले सकते हो, वन मेन अटैम्प्ट एंड टू रीटेक्स, एंड इन दैट केस आप को कोई फिक्स्ड डेट नहीं दी गई है कि आप इसी डेट पे जाके एग्जाम दें. यू कैन चूज एनी डेट ऑफ यू नो एनी ऑफ द अवेलेबल डेट्स फ्रॉम 1st of January टिल 25th of May, जिसमें जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं. सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ यू नो यू कैन चूज योर एग्जाम डेट बेस्ड ऑन द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू, एंड उन तीन में से अगेन द बेस्ट स्कोर विल यूजली काउंट, एंड दैट्स हाउ दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी लाइक. तीनों ही एग्जाम के केस में आपका एग्जाम इस साल ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा. इन द केस ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू जो है वो भी ऑफलाइन होगा. इन द अदर टू यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक अभी हैंड आउट में इतना क्लैरिटी उन्होंने नहीं दिया है, बट दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक यू नो फॉर ऑल दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस. बाकी जो भी डिटेल्स हैं, बाकी सेपरेटली आपके इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म फिलिंग रहेगा उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हम डालते रहेंगे. आई वुड वॉन्ट यू टू यू नो वेट फॉर एटलीस्ट अ वीक और टू. इस टाइम पे जस्ट रिसर्च अबाउट दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस, see you know what the fee structure are they following, are you able to finance it, because I usually do not recommend people to be taking an education loan for these universities, the private ones especially undergrad, because uske baad yes placement rehta hai but it won't be you know to a level where you can actually fulfill your loan ka repayment obligations. I recommend you take that education loan during your MBA or IPM, jisme MBA becomes a core component of it.
उसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा द कोर्सेज दैट दे आर ऑफरिंग, बिकॉज स्पेशली इन द केस ऑफ क्राइस्ट सिर्फ आपका बीबीए नहीं होता है, बीबीए के अंदर उनकी 50 स्पेशलाइजेशन है, बीकॉम नहीं होता है, बीकॉम के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, आप हर एक का फॉर्म भरने जाएंगे तो हर एक के आपसे अलग अलग पैसे लिए जाएंगे, सो नॉट रियली अ वाइज आइडिया. सो वॉट यू वुड वॉन्ट टू फिगर आउट इज कि इन सारे ऑप्शन में से आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हैं, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, एंड सिर्फ उसी में अप्लाई करें. एंड सेम यू कैन फॉलो फॉर दी अदर यू नो टू इंस्टीट्यूट्स एज वेल. उसके बाद आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको किस किस कैंपस में अप्लाई करना है. ऑफ कोर्स आप मेन कैंपस तो सब में अप्लाई कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एनएमआईएमएस के मुंबई कैंपस में यू विल अप्लाई, क्राइस्ट के बैंगलोर सेंट्रल बैंगलोर बेनरघट्टा कैंपस में यू विल अप्लाई, सिम्बोसिस के केस में आप पुणे कैंपस में एससीएमएस में यू विल अप्लाई. बट इसके बाद अगर आपको लगता है और बैकअप की जरूरत है तो आपको यू नो क्राइस्ट दिल्ली एनसीआर में अप्लाई करना है या नहीं, केंगेरी में अप्लाई करना है या नहीं, पुणे लवासा में करना है या नहीं, ये कॉल है जो आपको लेना पड़ेगा. एंड कितने इंस्टीट्यूट्स में जाना है बैकअप के लिए, किस में नहीं जाना, अगेन वील हैव अ सेपरेट डिस्कशन. बट अपने एंड पे भी आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आपको क्या लगता है मुझे कितने बैकअप्स की ज़रूरत है, मुझे कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है, मुझे कौन से इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है. आफ्टर यू आर डन मेकिंग दैट डिसीजन इज वेन यू शुड आइडियली फिल दीज फॉर्म्स. अगेन वी विल बी असिस्टिंग यू विद ऑल ऑफ दैट एज वेल, सो यू कैन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर द सेम. But that's about it for today's video. I hope you found it helpful. If you did, please leave a like, share it with your friends who might find it helpful as well. Subscribe to the channel for more such updates. And I'll see you in the next one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye-bye.